भैंस को समरसिबल से नहला के इतना पानी बर्बाद कर रही हो चाची, इस काम को तो बाल्टी से भी कर सकती हो। कौन सा नल थोड़ा ना खींचना पड़ रहा है? नल तो खींचना नहीं पड़ रहा, परंतु यदि इसी तरह पानी बर्बाद करती रही तो मीलों दूर पैदल चलकर सिर पर ढोना जरूर पड़ जाएगा। आज आप लातूर, बुंदेलखंड, राजस्थान और हरियाणा की ही हालत देख लो। अंकल आप तो पढ़े लिखे हैं, कम से कम इनका तो ख्याल करो। आप इनकी धरोहर को इस तरह नाली में बहाकर बर्बाद कर रहे हो। साथियों, हम लोग देख रहे हैं गांव देहात से लेकर शहर कस्बों के अंदर भी आज समरसिबल के माध्यम से भूजल का बेजा दोहन हो रहा है और उसका दोहन करके उसको बड़े निर्मम तरीके के साथ नदी नालों के अंदर बहाया जा रहा है। आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा संकट जल को लेकर खड़ा होने वाला है। इसलिए मेरा सभी से हाथ जोड़कर यह अनुरोध है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं, खेत क्यारी उनके लिए जोड़ते हैं, मकान दुकान उनके लिए इकट्ठा करते हैं, तो क्या ये हमारी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए कि कम से कम हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ थोड़ा बहुत जल भी छोड़ कर जाएं। समय आ गया है कि हम लोग एकजुट होकर अपने प्रयास से जल संरक्षण करें। इसका सबसे अच्छा तरीका है बाल्टी पानी से नहाना, पाइप का इस्तेमाल कम करना और फवारे से सिंचाई करना। हर आदमी अपना ये ठान ले कि हम एक जल संरक्षण कर सकते हैं तो भविष्य में ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी।